नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जो पहला मैच है एशिया कप 2022 का, वो 5 विकेट से जीत लिया है। अब जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान से बड़े ही मज़ेदार जो नतीजे हैं वो सामने निकल के आ रहे हैं। आप ये इंटरेस्टिंग वीडियो एंजॉय करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बेइज्जती करवा दी आप लोगों को, शर्म आनी चाहिए। इंडिया इंडिया से ही आप लोगों ने हटा था ये रहा मोबाइल। मैं यकीन करें इतना गुस्सा चढ़ा है मुझे पाकिस्तानी होने के नाते। यार इंडिया से ही आप लोगों ने हारना था, कहीं और से हार जाते। मुझे पता ही है कि ये सिर्फ खेल है, लेकिन यार हमारे जज्बात मजनू होते हैं। इंडिया से नहीं था आप लोगों ने हारना, ये हम पाकिस्तानी सबको गुस्सा चढ़ा है इस चीज़ के ऊपर। ठीक है, ये देखा मुझे अभी भी ये मेरा हाल जो है ब्लड प्रेशर हाई हो गया। ये रहा वो मोबाइल जो कि मैंने नुकसान तो कर दिया है, लेकिन क्या करूँ। अब पूरा जहाज अगर लेने मेरी ले लो मेरी नहीं ले लो, अब कमर्स में लोगे ना पैसे ले लो। मैं क्या कह सकता हूँ, किसी 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 मुंह दिखाने लाइक मुझे छोड़ा है। मैं नहीं आ रहा लाइफ। क्या हो गया, किसे हार्दिक पांड्या पूरे जहाज रोहित शर्मा के खिलाफ तैयारी कर ली, केएल राहुल की तैयारी कर ली, रोहित शर्मा विराट कोहली की तैयारी कर ली। जिसकी तैयारी नहीं की वो चल गया, हार्दिक पांड्या चल गया, जडेजा चल गया, मतलब कि जिनकी तैयारी नहीं की वो आके चल गए। किया क्या यार, मतलब के इतना क्लोज जाके ना हारा करो यार, बहुत दुख होता है। एक सेमीफाइनल का दुख गया नहीं था, सेमीफाइनल में भी हम एंड पे आके हारे, इस मैच में तो इंडिया के खिलाफ आखिरी ओवर में हारे हो यार। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान की जो टीम है, आज उन्होंने हमारी ना बिस्ती करवा के रख दिया। वो बिस्ती इसलिए करवाई यार, आप थले पे खेल रहे हो, शर्म करो यार। आपको नहीं पता कितने बड़े प्लेटफॉर्म के में जाके परफॉर्म कर रहे हो, उसके अलावा यार इंडिया के साथ तुम्हारा मुकाबला कर क्या रहे हो। जाना था इनकी बैटिंग पे, इंडिया इतनी अच्छी बॉलिंग कर चुका है, मैच में मैच खेलते हैं। शुएब मलिक को आपने बाहर क्यों निकाला, कोई रीजन नहीं, कम से कम एक सीनियरिटी लेवल था। ठीक है, जैसे उनका विराट है, विराट आउट ऑफ फॉर्म है 2 साल से, लेकिन स्टिल उसको खिला रहे हैं। उनका रोहित है, स्कोर नहीं कर रहा, बस स्टिल वो कैप्टन है, लेकिन फिर भी उनको खिला रहे हैं। तो हमारे पास कोई बैट्समैन था ही ना, तो अगर आउट हुआ उसके बाद आपके इफ्तिखार अहमद आपके पास क्या था, वो आप नेशनल लेवल पे खेलता है, उसका तो कोई इंटरनेशनल लेवल पे स्कोर ही नहीं है। खुशदिल शाह को आप बैट्समैन बना रहे हो, वो तो आपका सिरा आपका जो है वो ऑलराउंडर है, और हिटिंग करते हैं लोग हिटिंग पावर के साथ। फिर आप आसिफ अली को बाद में भेज रहे हो, शादाब को पहले भेज रहे हो। क्या खाया पिया नहीं है, प्रैक्टिस नहीं की, कर क्या रहे हो। हमारे मुल्क का नाम बदनाम करके रखा हुआ है, आपको नहीं पता, शर्म आनी चाहिए यार। सैलाब चल रहा है हमारे मुल्क में, इतनी क्रिटिकल कंडीशन है, उसके अलावा हमारे मुल्क में डॉलर का रेट बढ़ गया, इतने हालात खराब होने के बावजूद यार तुम लोग क्या परफॉर्म करके आ रहे हो। क्या तुम लोगों ने सारी टेंशन ले ली है, हमारा मुल्क कहाँ पर जा रहा है। आगे लेकर चलो, पीछे नहीं, थरे पे नहीं खेल रहे, एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए यार। इंडिया के आगे क्या हमेशा झुकना ही है, उन्हें बताओ पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान की पावर दिखाओ, शर्म आनी चाहिए यार। पाकिस्तान में आगे ही इतना ज्यादा डिप्रेशन और इतना ज्यादा ऑलरेडी सिचुएशन, कितनी टेंशन चल रही है, मतलब कि एक गलत हुकूमत आकर बैठ गई है, और दूसरी तरफ फ्लड की सिचुएशन है, तीसरी तरफ ये कलैदा गम दे रहे हैं पाकिस्तानियों को। दिल तो कर रहा है यकीन करें इनको जूतों के साथ ये मिडल ऑर्डर का इस्तकबाल किया जाए, हद है यार, लानत है। मतलब कि आप देख लो, इंडिया वाले प्रॉपर आपके ऊपर टीम वर्क करके आए हैं, कोई भी बॉल उन्होंने रिजवान को लेग पे नहीं डाली, सारी की सारी ऑफसाइड पे डाली है, जितनी भी बॉलें उन्होंने डाली हैं, मतलब उन्होंने होमवर्क किया है। इन्होंने क्या होमवर्क किया है, हमेशा कहते हैं एक प्लान होता है तो उसके साथ प्लान बी भी होता है। पाकिस्तानियों का प्लान बी क्या था, बाबर आउट हो गया, रिजवान फिर भी कुछ भी करके खड़ा रहा, अगर रिजवान आउट हो जाता इन बगैरत इंसानों ने 90 पे आउट हो जाना था, और स्कोर भी कितना किया 147। डू यू रियली थिंक कि इंडिया वालों के लिए 147 का स्कोर, मतलब 147 का टारगेट काफी है। तो भाईजान आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, किस बारे में, ये आज की बैटिंग लाइनअप ऑर्डर 147 का टारगेट दिया इंडिया को, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। यार मैंने क्या कहना है, मैं अगर कुछ कहने पे आऊंगा तो मैं यही बोलूंगा कि भाई ये जो तैयार कर रहे हैं बेंच, ये क्या मैच हो रहा है, बताए ना मुझे जरा, क्या सवाल आप करने आ गए हैं। बैट हुए नहीं है तो आप सवाल करने के लिए मार्केट में भी आ गए हैं, आप अपने काम में भी तो फोकस कर रहे हैं, वहाँ की रैली ने पहले आ गए हैं। ये वही बाबर आजम, ये वही पाकिस्तानी टीम है जिनको हम शाबाश देते हैं, और दूसरे ही पल में ये अपने ऊपर लोगों की बदवाएं भी लेने लग जाते हैं। मैच ऐसे थोड़े होते हैं यार, आपने अपनी सारी टीम को आउट कर दिया, क्यों, एक तो रखो सीनियर यार, शहीन को भी आपने बाहर कर दिया, हसन को भी आपने बाहर कर दिया, अमीर को भी बाहर कर दिया यार, पीछे रखना क्या, मुझे रख लो। शहीन भाई तो इंजरी की वजह से बाहर है, मैच क्यों दौरान ही होना, मैच से पहले नहीं होता, वो मैच से पहले तो सब ठीक होते हैं, मैच आ गया तो वो इंजर हो गए, अगर सबको इंजर करना है फिर मुझे रख लो टीम में। चलो मैं तो कोई 10-12 स्कोर कर ही लूंगा ना, फखर ने क्या किया, कितना स्कोर किया सारा, उससे अच्छा तो मैं खेल लेता हूँ यार, मैं
एड्रेस इतना पूरी दुनिया के सामने कह रहा हूँ स्कोर तो करके आपका क्या सजेस्ट है कि क्या कहते हैं नेक्स्ट टाइम की बैटिंग लाइन क्या होनी चाहिए? सजेशन हमेशा तब दी जाती है जब आपको पता हो कि जी एक हफ्ते बाद एशिया कप स्टार्ट होना है। अब सजेशन का वक्त नहीं, अब जो टीम सिलेक्ट हो गई है ना इनको चाहिए कि बगैरत लोगों को चाहिए कि अफगानिस्तान को देख लें उन्होंने किस तरह श्रीलंका के खिलाफ परफॉर्म किया है। इस तरह की हरकतें करेंगे तो अफगानिस्तान के सामने ये कुछ भी नहीं कर सकेंगे। मतलब अफगानिस्तान ने अपनी टीम को खड़ा किया है, उन्होंने परफॉर्म किया है, ये मतलब कि क्या हम नजर ही नहीं आ रहा। वो कप्तान आपका बाहर बैठा परेशान देख रहा है कि जी मतलब कि आउट होके आई जा रहे हैं। फखर जमान ने क्या किया? रिव्यू नहीं ले सकता था ना, बॉलर ने अपील की ना कीपर ने अपील की। लानत है यार, सीधी बात है लानत। इतने बड़े प्लेयरों का क्या फायदा, इतने रकम खर्चने का क्या फायदा, करोड़ों रुपए इनकी सैलरीज है। क्या अगर हमने 6 स्कोर से ऊपर जाना, चलने पे आए तो सेंचुरी मार दे, चलने पे आए तो 0 पे आउट होते हैं। इनका बीच वाला बैट कोई भी नहीं है, बीच वाला बैट हुकूमत है। मैं इतना ही कहूंगा बस। प्रैक्टिस क्या करने, मैं तो क्रेडिट दूंगा इंडियन बॉलिंग को जिन्होंने बहुत अच्छा होमवर्क किया। वो देख के हैं कि इनकी कमजोरी क्या है, वीकनेसेस क्या है, बिल्कुल उस जगह के ऊपर बॉलिंग किया उन्होंने और पाकिस्तानी टीम को लग पता गया है कि बॉलिंग को फेस कैसे करना है। तो बाकी लेट्स सी क्या होता है। तो क्या कहते हैं आपको आगे क्या उम्मीद है पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप से? यार उम्मीद क्या रखनी है, ये स्टार्टिंग पे बिस्ती करवा रहे हैं, आगे हम इन पे क्या तवक्को रखें। यार दुनिया बैठी है इन्हें देखने के लिए, यार इंटरनेशनल लेवल पे जाके मैच खेल रहे हैं इंडिया के साथ। इंडिया को बताओ तो सही यार पाकिस्तान ही आए हैं। मुझे लगता है ना कि सारी टीम को ना सिर्फ बाबर और रिजवान को निकाल के बाकी सारी टीम को चूड़ियां पहना के नहर पे खड़ा कर देना चाहिए। बाबर आजम ने भी कुछ किया, बाबर आजम और रिजवान को छोड़ दे, बाकी सारी टीम को ना नहर पे खड़ा करके चूड़ियां पहना के छितर मारे जाए। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि पाकिस्तान मैच हार चुका है, पाकिस्तान ये मैच हार गया है इंडिया के हाथों। उफ यार मैं क्या बोलूं, तो बोलूं क्या, पहले बल्लेबाजों ने मारे किया गया, बल्लेबाजों ने, वो आसिफ अली, वो खुशदिल शाह वड़े बल्लेबाज बनते हैं, वो धानी से जाके सीखो छक्के कैसे मारते हैं। एक बॉलर आके छक्के मारे, तुमसे छक्के नहीं लगते, 20 रन तुम ज्यादा करते तो क्या जाता तुम्हारा, आज हम मैच तो जीत जाते ना। किया गया ये। रही बात मैच की, रोना नहीं है, ये टीम डिजर्व नहीं करती हमारे आंसू, ये मेरे भाई तूने रोना नहीं है। पाकिस्तान आज अपनी गलती से हारा है, इंडिया की कोई नियत नहीं थी आज का मैच जीतने की, लेकिन भाई तारीफ करनी पड़ेगी, जीत गया मैच। अब वो जडेजा को उन्होंने बहादुरी दिखाई, जडेजा को ऊपर भेज दिया, पांड्या से ऊपर जडेजा आया, सूर्या कुमार से ऊपर जडेजा आया, बड़े बड़े बल्लेबाजों को आउट कर लिया, जडेजा में लेके डूब गया, पांड्या में लेके डूब गया। और यार मतलब कि मैं करूँ तो करूँ क्या।